कलर्स टीवी शो सिलसिला बदलते रिश्तों का हाई वोल्टेज ड्रामा से एक बार फिर गुजर रहा है, जहां इस शो की टीआरपी बढ़ाने के लिए मेकर्स हर रोज नए नए ट्विस्ट और टर्न्स ला रहे हैं। जहां कहीं स्टोरी लाइन कभी मौली की तरफ झुकती दिखाई देती है तो कभी नंदिनी की तरफ, और इस वजह से ऑडियंस को ये स्टोरी काफी इंट्रिगिंग लग रही है। हमने पिछले एपिसोड्स में देखा कि किस तरीके से नवरात्रि पूजा के दौरान कुणाल नंदिनी के साथ टाइम स्पेंड करने की हर सख्त कोशिश करता है, वहीं दीदा कुणाल को पहले इन चीजों से रोकने की कोशिश करती हैं, लेकिन कुणाल की माँ आकर समझाती हैं कि अगर इस शादी को बचाना है तो मौली और कुणाल इसके लिए खुद ट्राई करेंगे और किसी की मदद से ये शादी नहीं बचने वाली। वहीं हम आगे आने वाले एपिसोड में देखेंगे कि कुणाल को अब इस रिलेशनशिप में आने का बिल्कुल भी गिल्ट नहीं रह गया है। इस गिल्ट से ऊपर उठकर वो नंदिनी के साथ भरसक टाइम स्पेंड करने की कोशिश करता है और नंदिनी का दिल बहलाने के लिए उसे रेस्टोरेंट्स में भी लेकर जाता है। वहीं इन सब से ऑपोजिट मौली को एक बेहद ही प्रोग्रेसिव वाइफ के तौर पर दिखाया गया है, जहाँ वो टिपिकल डेली सोप वाइफ्स की तरह इन दोनों का पीछा ना करते हुए इन दोनों को अकेले छोड़ देती है और अपनी लाइफ में आगे मूव करती है और अपना दिल बहलाने के लिए अपने दोस्तों के साथ रेस्टोरेंट भी जाती है। कोइंसिडेंटली नंदिनी और कुणाल जिस रेस्टोरेंट में लंच डेट पर होते हैं, वहीं मौली अपने फ्रेंड्स के साथ जा पहुंचती है, जहां एक बार फिर मौली का सामना कुणाल से हो जाता है। मौली के दोस्त कुणाल को जाकर इस बात के लिए बहुत डांटते हैं। मौली यूं तो हर्ट होती है, लेकिन वो किसी के सामने शो नहीं करती और वॉशरूम में जाकर रोने लगती है। इस लंच डेट के दौरान ही कुणाल नंदिनी को एक पेंडेंट गिफ्ट करता है, जिसमें कुणाल और नंदिनी का नाम लिखा है। नंदिनी उस पेंडेंट को लेकर उसी वॉशरूम में पहुंचती है और स्माइल के साथ वो पेंडेंट पहन रही होती है, जहां आकर मौली उसे कहती है कि मैंने तुमसे तुम्हारे लिए अपने जैसे प्यार की उम्मीद की थी एंड आई विश कि तुमने जो मेरे साथ किया है जिंदगी में कभी उस गिल्ट से बाहर निकल सको। इस तरह हम देखेंगे कभी बेस्ट फ्रेंड रही दो औरतें कैसे अब राइवल हो जाती हैं, जहां कुणाल इस गिल्ट से कम्प्लीटली बाहर आ चुका है, लेकिन नंदिनी अभी भी थोड़े से गिल्ट में जी रही है। देखना इंटरेस्टिंग होगा कि नंदिनी इस गिल्ट से बाहर आ पाती है या फिर उसका मन बदल जाता है और वो कुणाल को मौली के साथ एक बार फिर से भेज देती है। आप बने रहें तब तक रिश्ता टीवी का के साथ फॉर ऑल लेटेस्ट न्यूज़ फॉर योर फेवरेट सीरियल एंड एक्टर एंड एक्ट्रेसेस।